पेट्रोल प्लस सीएनजी कार चली हुई है और हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 1,35,000। 2017 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाली है। गाइस हमने इसकी डिमांड रखी है 5,25,000। और गाड़ी की खास बात ये रहने वाली है, ये आपको कार पेट्रोल प्लस सीएनजी मिलने वाली है। और गाइस हमने इसकी डिमांड रखी है 4,80,000। टाटा ब्रांड की टाटा हैरियर 6,75,000। हुंडई ब्रांड की मोस्ट सेलिंग कार रहने वाली है, किया ब्रांड की सेल्टोस। इस गाड़ी में भी आपको शोरूम में वेटिंग देखने को मिल जाएंगी। और हम तो ऑटोमेटिक विद सनरूफ वेरिएंट आपके लिए लेके आ चुके हैं। हे व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। गाइस एक बार फिर से डेडिकेट स्टॉक लेके हम आ चुके हैं न्यू सद्गुरु कार मेलों में। और गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट सेलिंग कार्स देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स आज जो हम कार दिखाने वाले हैं उसमें आपको टाटा की हैरियर देखने को मिलेगी, किया सेल्टोस देखने को मिलेगी, न्यू होंडा सिटी देखने को मिलेगी और अदर ब्रांड्स की भी आपको कार्स यहाँ पे गाइस देखने को मिल जाएगी। तो आज वीडियो को हम लो बजट वाले कार से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कीजिए यहाँ का वॉक अराउंड एंजॉय, उसके बाद एक एक गाड़ियों की डिटेल्स देते हैं। गाइज हमारी फर्स्ट कार पेट्रोल सीएनजी वाली कार रहने वाली है, सेरोलेट ब्रांड की स्पार्क 2010 का मॉडल है, सेकंड ओनर कार रहने वाली है। पेट्रोल प्लस सीएनजी कार चली हुई है और हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 1,35,000। आप उसमें भी अपनी ऑफर दे सकते हो। और गाइज नेक्स्ट कार हमारी रहने वाली है मारुति सुजुकी ब्रांड की मोस्ट सेलिंग कार स्विफ्ट VTI डीजल वेरियंट कार रहने वाली है। 2017 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाली है। गाइज हमने इसकी डिमांड रखी है 5,25,000, उसमें भी आप अपनी ऑफर दे सकते हो। अगेन हमारी आ चुकी है हैचबैक कार i20 हुंडई ब्रांड की कार रहने वाली है, ये भी डीजल वेरिएंट कार रहने वाली है। 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार रहने वाली है, डीजल वेरिएंट के साथ मिलने वाली है और हमने इसकी डिमांड रखी है 6,25,000। फ्रेंड्स गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, सभी कार की बेस्ट कंडीशन रहने वाली है। गाइज हमारी नेक्स्ट कार फिर से हम दिखाने वाले हैं 7-सीटर पेट्रोल सीएनजी वाली कार मारुति सुजुकी ब्रांड की अर्टिगा। गाइस VXI वेरिएंट रहने वाला है, 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाले है, इंश्योरेंस भी इसमें चालू है, पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट रहने वाला है, 42,000 किलोमीटर चली हुई है और हमने इसकी डिमांड रखी है 10,60,000, उसमें भी आप अपनी ऑफर दे सकते हो। गाइस फिर से आपको हैचबैक कार दिखाने वाला है, हमारी ये हैचबैक कार होंडा ब्रांड की ब्रियो रहने वाली है। गाइस 2012 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाली है, 51,000 किलोमीटर चली है, इंश्योरेंस भी अभी तक इस गाड़ी का चालू है, हमने इसकी डिमांड रखी है 3,25,000। ओनर का नंबर वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, जिस किसी को भी गाड़ी लेनी हो उनके साथ बात करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट फिर से हमारी एक हैचबैक कार रहने वाली है, चेरी कलर में कार है, बहुत ही साइन कर रही है, ये गाड़ी की डिटेल्स देते हैं। i10 ग्रैंड स्पोर्ट्स वेरिएंट रहने वाला है, 2016 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाला है, इंश्योरेंस भी अभी तक इसमें इंक्लूड है। और गाड़ी की खास बात ये रहने वाली है कि ये आपको कार पेट्रोल प्लस सीएनजी वाली मिलने वाली है। और गाइस हमने इसकी डिमांड रखी है 4,80,000, उसमें भी आप अपनी ऑफर दे सकते हो। और गाइस ये 57,000 किलोमीटर चली हुई है। नेक्स्ट कार हमारी फिर से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन में आपको i10 यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, चेरी कलर में भी और वाइट कलर में भी। अब ये वाइट कलर वाले की डिटेल्स जानते हैं, ये 2014 का मतलब 2014 का भी लास्ट मंथ रहने वाला है, मतलब 15 ही रहने वाला है, मेगना वेरिएंट रहने वाला है, डीजल वेरिएंट के साथ मिलेगी, 85,000 किलोमीटर चली है और हमने इसकी डिमांड रखी है 3,91,000, उसमें भी आप अपनी ऑफर दे सकते हो। गाइस न्यू सद्गुरु फॉर्म में आपको i10 में तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर से हमारा एक बार आ चुका है i10, ये अस्टा वेरिएंट मतलब टॉपेट वेरिएंट गाइस रहने वाला है, 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाली है, इंश्योरेंस भी अभी तक इस गाड़ी का चालू है, पेट्रोल वेरिएंट रहने वाली है, 50,000 किलोमीटर जेन्युइन चली है। और बात करें इसकी आस्किंग प्राइस की, तो हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 4,50,000, आप अपनी ऑफर उसमें भी दे सकते हो। गाइस नेक्स्ट फिर से हमारी हुंडई ब्रांड की कार रहने वाली है i20,
ये i20 आस्था वेरिएंट मतलब टॉप एंड वेरिएंट। इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट इंजन मिलने वाला है और साथ में अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। बात करें इसकी डिटेल्स की तो ये 2016 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाले। इंश्योरेंस इंक्लूड है इस गाड़ी में। डीजल वेरिएंट के साथ आपको गाड़ी मिलेगी। 85,000 किलोमीटर चली है और हमने इसकी डिमांड रखी है 6,75,000। ओनर का नंबर वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, जिस किसी को भी गाड़ी लेनी हो उनके साथ बात करके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट फिर से हमारी आ चुकी है ओल्ड शेप वाले i10। फ्रेंड्स ये 2011 का मॉडल है, स्पोर्ट्स वेरिएंट रहने वाला है, फर्स्ट ओनर कार रहने वाली है। 55,000 किलोमीटर चली हुई है और बात करें इसकी डिमांड की तो हमने इसकी डिमांड रखी है 2,75,000। आप अपनी ऑफर उसमें भी दे सकते हो। और गाइज हमने अभी तक जितनी भी गाड़ी एक्सप्लोर की सभी कार्स में आपको इंश्योरेंस इंक्लूड ही मिलने वाला है। तो गाइज अब तक हमने वीडियो में ओनली हैचबैक कार और एक दो SUV कार्स कवर की थी, लेकिन अब बारी आ चुकी है सेडान कार दिखाने वाले। और हमारी फर्स्ट सेडान कार रहने वाली होंडा ब्रांड की होंडा सिटी। फ्रेंड्स ये गाड़ी में आपको साथ में सनरूफ भी मिलने वाला है। अब बात करें इसकी डिटेल्स की तो ये 2015 का मॉडल है, VX वर्जन रहने वाला है। फर्स्ट ओनर के साथ गाड़ी आपको मिलने वाली है, इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, डीजल वेरिएंट कार है, 56,000 किलोमीटर चली हुई है। बात करें इसकी डिमांड की तो हमने इसकी डिमांड रखी है 6,75,000, उसमें भी नेगोशिएबल प्राइस है। गाइस अगेन हमारी आ चुकी है एक सेडान कार, मारुति सुजुकी ब्रांड की सियाज। फ्रेंड्स ये ZDI मतलब टॉपेट वेरिएंट कार रहने वाली है। 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाले, इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड है, डीजल वेरिएंट के साथ कार मिलेगी। 57,000 किलोमीटर चली हुई है और हमने इसकी डिमांड रखी है 6,25,000। अगेन हमारी आ चुकी है होंडा सिटी, न्यू शेप वाली होंडा सिटी। इस गाड़ी में भी आपको सनरूफ मिलने वाला है। गाइज बात करें इसकी डिटेल्स की तो 2017 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार रहने वाली है, इंश्योरेंस भी अभी तक इसका चालू है, डीजल वेरिएंट के साथ कार मिलने वाली है। 52,000 किलोमीटर चली हुई है और हमने इसकी डिमांड रखी है 9,50,000। फ्रेंड्स आप यहाँ की सभी गाड़ियों की कंडीशन देख सकते हो, बेस्ट कंडीशन में आपको यहाँ पे गाड़ियाँ मिलने वाली है। हमारी फिर से आ चुकी है सेडान वेर्ना, हुंडई ब्रांड की मोस्ट सेलिंग कार रहने वाली है, वेर्ना SX। 2016 का मॉडल, 2016 का भी लास्ट मंथ रहने वाला, मतलब 17 का ही समझो, 2016 का मॉडल रहने वाला है। फर्स्ट ओनर कार है, इंश्योरेंस भी अभी तक इस गाड़ी का चालू है, डीजल वेरिएंट के साथ मिलने वाले आपको। हमने इसकी डिमांड रखी है 6,50,000, हमने इसकी डिमांड रखी है। गाइज हमारे वीडियो के दो लास्ट कार जो हम हाईलाइट करने वाले हैं क्योंकि वो मोस्ट सेलिंग कार है, अभी शोरूम में वेटिंग चल रही है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में आपको यहाँ पे सतगुरु कार मिलों में देखने को मिल जाएगी। बात कर रहे हैं हम टाटा ब्रांड की टाटा हैरियर। बात करें गाड़ी की डिटेल्स की तो फ्रेंड्स गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, पूरी अनटच कंडीशन में गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। 2019 का मैन्युफैक्चर और 20 का रजिस्ट्रेशन गाड़ी का रहने वाला है। गाइस XV वेरिएंट मतलब इसमें आपको अलॉय व्हील्स और साथ में पुश स्टार्ट इंजन मिलने वाला है। 2020 का मॉडल रहने वाला है, फर्स्ट ओनर कार है, इंश्योरेंस भी इसका इंक्लूड है और 28,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है। बात करें इसकी डिमांड की तो हमने इसकी डिमांड रखी है 18,50,000, ऑन टेबल नेगोशिएट प्राइस है। गाइस अब हम कार दिखाने वाले हैं हमारी किया ब्रांड की सेल्टोस, तो चलिए किया के साथ मिलते हैं। लास्ट कार ये भी बहुत ही मोस्ट सेलिंग और मोस्ट ट्रेंडिंग और लोगों की ज़्यादा फेवरेट कार चल रही है, किया ब्रांड की सेल्टोस। इस गाड़ी में भी आपको शोरूम में वेटिंग देखने को मिल जाएगी और हम तो ऑटोमेटिक विथ सनरूफ वेरिएंट आपके लिए लेके आ चुके हैं। फ्रेंड्स गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो, पूरी अनटच कंडीशन में। इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये 2020 का मॉडल रहने वाला है, XTX प्लस वेरिएंट रहने वाला है, फर्स्ट ओनर कार रहने वाले, इंश्योरेंस फुल है, डीजल वेरिएंट के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। 30,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है और डिमांड की बात करें तो हमने इसकी डिमांड कर रखी है 17,50,000, उसमें भी नेगोशिएबल प्राइस है। गाइज आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी एक ऐसे वीडियो के साथ।